हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन में सील के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। सील एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड होता है पाइथन में, कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीई है यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहीं पर सील का यूज करके देखना है। सबसे पहले नया पेज लेंगे और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ मैं, लाइक लिखा हमने प्रिंट, क्योंकि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे सील फंक्शन हमने लगाया सील, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 5.2, तो यहाँ सिंपली 5.2 ही प्रिंट हो जाएगा जब मैं इसे चलाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 किया और यहाँ से एंटर किया, इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और .py लगा करके और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये 5.2 ही आ जा रहा है। तो फिलहाल हमें करना क्या होगा, करना ये है कि यहाँ पर सील फंक्शन लगाना है, SEIL सील लगा दिया और सील लगा करके इसको बंद किया इस तरीके से और ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब इसको देखते हैं, चलाते हैं, चलता है या नहीं चलता है। तो अगर ये चलता है तो क्या हमारा आउटपुट आता है, तो कह रहा है कि नेम एरर। नेम एरर तब आएगा, अब देखिए ये जो सील है ये डिफाइंड नहीं है, यानी इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, मैथ नाम की लाइब्रेरी में, ठीक है। तो उसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा हमें, तो इम्पोर्ट कराने के लिए ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट IMPORT। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि ये लिखिएगा तो ये स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है ना, इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे मैथ। तो मैथ लाइब्रेरी के अंदर ये मौजूद होगा और करना पड़ेगा यहाँ पर लिखना होगा मैथ, MATH मैथ लिखा और तब ब्रैकेट को ओपन यहाँ से करेंगे इस तरीके से, ये CEIL सील हो गया और यहाँ मैथ डॉट सील कर देंगे। और अब इसको अगर चलाते हैं तो देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको चलाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से अब चलाएंगे तो यहाँ देखिए इसका आंसर आ रहा है 6, ठीक है। यहाँ पे हमने 5.2 लिखा था तो इसको ये आगे बढ़ा देगा, ठीक है। सील हमेशा ऊपर वाला जो है ऊपर वाली वैल्यू हमें निकाल के देता है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ, लाइक इसको कमेंट कर देता हूँ, तो क्या ये चलेगा, तो एक बार चलाते हैं देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। तो यहाँ से अगर इसको चलाएंगे तो ये देखिए ये जो है नेम एरर देगा हमेशा, ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, मैथ नाम की लाइब्रेरी में। तो मैथ नाम की लाइब्रेरी जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आएगा। अब देखिए कोई दूसरा यहाँ पे नंबर लेते हैं, लाइक यहाँ पे ले लेते हैं 2.9, तो 2.9 अगर लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। अगर हम 2.55 लेते हैं या 2.44 लेते हैं तो भी इसका आंसर क्या आएगा, तो भी इसका आंसर 3 आएगा, यानी आगे की तरफ ये लेके जाएगा, ठीक है, इसको राउंड करके आगे की तरफ बढ़ा देगा ये। तो ये सील फंक्शन का काम है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी कि सील कैसे